आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल MSGIL Infotainment में स्वागत है। आज हम आपको भाई विनोद सिंह की कथा सुनाएंगे। भाई विनोद सिंह गुरु अंगद के सीधे वंशज त्रेहन खत्री थे। गुरु गोबिंद सिंह के समर्पित शिष्य थे और 1708 में उनके साथ दक्षिण की ओर जाने वाले कुछ सिखों में से एक थे। उन्हें गुरु द्वारा 1708 में नांदेड़ से पंजाब भेजे गए बंदा सिंह बहादुर के 5 साथियों में से एक चुना गया था, ताकि सिखों के उत्पीड़कों को दंडित किया जा सके। विनोद सिंह बंदा सिंह के पंजाब पहुंचने पर शुरू किए गए अभियान में उनके सहयोगी थे। मई 1710 में लड़ी गई सरहिंद की लड़ाई में विनोद सिंह ने बंदा सिंह की सेना के बाएं विंग की कमान संभाली। उन्हें मलेरकोटला के शेर मोहम्मद खान के खिलाफ खड़ा किया गया था, जो सूबेदार वजीर खान के दाहिने विंग के कमांडर थे। ये शेर मोहम्मद खान मलेरकोटला का वही राजा है, जिसने जब देखा कि छोटे साहिबजादों को शहीद किया जा रहा है तो उसने पूछा कि क्या ये सही है। सरहिंद प्रांत पर बंदा सिंह की विजय के बाद दिल्ली क्षेत्र की सीमा से लगे करनाल के सीमावर्ती जिले को विनोद सिंह को सौंपा गया। इसके तुरंत बाद अक्टूबर 1710 में विनोद सिंह ने 4 लड़ाइयां लड़ी। पहली करनाल से 12 किलोमीटर उत्तर में तरौरी में, दूसरी करनाल से 25 किलोमीटर उत्तर में अमीन में, तीसरी थानेसर में 8 किलोमीटर दूर उत्तर में और चौथी थानेसर से 22 किलोमीटर उत्तर में शाहबाद में। अक्टूबर 1714 में विनोद सिंह अपने अनुयायियों के साथ बंदा सिंह से अलग हो गए। जब उन्होंने बंदाई खालसा बंदा बहादुर के विरोध में खुद को तत्खालसा सच्चा खालसा घोषित कर दिया। हालांकि वह दो मन में था, वह माता सुंदरी की आज्ञा का पालन करना चाहता था और साथ ही बंदा सिंह के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस समस्या के कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण यह था कि बंदा बहादुर ने गुरु की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जैसे ही विनोद सिंह अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगे, उन पर चारों तरफ से शाही सेना ने हमला कर दिया। खफी खान के अनुसार उनके 3 से 4 हजार आदमी मारे गए। माना जाता है कि इस नरसंहार में विनोद सिंह की भी जान चली गई। ये 1716 में हुआ था। तत्खालसा और बंदा बहादुर के बीच झगड़े को अकाल तख्त के जत्थेदार भाई मनी सिंह ने सुलझाया था। कई छोटे छोटे मुद्दे थे जिन्हें सुलझाना जरूरी था, जैसे कि कौन सा युद्ध घोष सत श्री अकाल या फतेह दर्शन इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने साध संगत से पूछा और एक संकल्प लिया गया कि 2 कागजों पर तत्खालसा के युद्ध घोष सत श्री अकाल और बंदाई खालसा के युद्ध घोष फतेह दर्शन लिखे जाएंगे और फिर उन्हें अमृतसर के दरबार साहिब में सरोवर में एक साथ गिराया जाएगा। जो पहले आया उसे अपनाया गया और वह सत श्री अकाल था। बंदई और तत्खालसा के बीच शारीरिक करतबों के मुकाबले हुए, जिसमें कबड्डी कुश्ती आदि मुकाबलों में तत्खालसा विजयी हुआ। इसके बाद पूरा बंदई खालसा तत्खालसा बन गया। इस छोटे से विवाद को भाई मनी सिंह जी ने कितने शांतिपूर्ण और सरल तरीके से सुलझाया। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।